अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास तीन यूज़र्स हैं, एक पेशेंट, थेरेपिस्ट और एडमिन। तो जो एडमिन है, एडमिन तो हमारे पास हार्ड कोडेड है, तो हमारा थेरेपिस्ट सबसे पहले हम दिखाएंगे कि थेरेपिस्ट को जो है वो कैसे साइन इन करेगा। तो यहाँ पे मैंने पैसेज वाले क्रिएट अकाउंट कर रही हूँ, जो थेरेपिस्ट है वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा। जैसे इसने यहाँ पर क्लिक किया थेरेपिस्ट, तो उसको और फील्ड शो हो गई हैं और वो यहाँ पर अपनी सारी फील्ड एंटर करेगा और अपना पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करके अपना अकाउंट बना लेगा। अच्छा, इसने अकाउंट बना तो लिया, अब वो साइन इन भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब तक उसको सुपर एडमिन जो है या एडमिन जो है उसको वेरीफाई नहीं करता, वो यूज़र साइट पे विजिबल नहीं होगा। तो यूज़र साइट पे विजिबल होने के लिए उसको हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। मैं एडमिन की जा रही हूँ, एडमिन की क्रीडेंशियल्स डाली हमने यहाँ पर, और एडमिन की क्रीडेंशियल में अब फायजा रईस जो है वो हमें शो हुई हैं। अब वो उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, वो इसको वेरीफाई कर देगा, ये सुपर एडमिन जो है एडमिन एक्चुअली इसको यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देगा। और उसके बाद भी कोई रेटिंग नहीं है क्योंकि इसने कुछ भी कंसल्टेशन नहीं ली हुई। अब यहाँ पे जाके ये क्रिएट ब्लॉक करेगा, यहाँ पे इसने फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक क्रिएट किया, सारी डिटेल्स डाली, अब ये ब्लॉक तो शो हो गया, यहाँ पे इसको पेंडिंग हो गया, पेंडिंग स्टेटस आ रहा है। अब जब एज एडमिन जाके मैं इसका ब्लॉग जो है अप्रूव करूँगी व्यू करके कि अगर ठीक है, तो फिर मैंने इसको अप्रूव कर दिया, ये अप्रूव्ड हो गया। यहाँ पर जाऊँगी और उसको रिफ्रेश करके देखूँगी तो ये अप्रूव्ड आ गया। अब हम स्केड्यूल में जाएंगे, ये अपना स्केड्यूल क्रिएट करेगा, ये इसने स्केड्यूल की स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और जो है इसकी ड्यूरेशन जो है वो ऐड करेगा इसमें, 1 आवर करके क्रिएट हो गया है। अब इसको अपने स्केड्यूल्स शो होना स्टार्ट हो गए कि अवेलेबल है। अब इसने कोई सेशन कंडक्ट नहीं किया हुआ, तो उसको यहाँ पे नो सेशन फाउंड है। अब यहाँ पे हम इसको लॉग आउट कर देते हैं, हम यहाँ पे एक नया यूज़र बनाते हैं, पेशेंट बनाते हैं, जो पेशेंट है जेब के नाम से बनाया है, और ये अपने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेगा और वो साइन इन कर जाएगा, और यहाँ पे वो साइन इन कर रहा है इस जगह पर। अच्छा, अब उसको यहाँ पे तो कुछ थेरेपिस्ट शो रहे हैं और वो उसको कुछ यहाँ पे ब्लॉग्स भी शो रहे हैं, वो ब्लॉग्स भी यहाँ पे जाके व्यू कर सकता है क्योंकि ये अप्रूव्ड ब्लॉग्स है सारे। अभी इसने कोई सेशन नहीं लिया हुआ, तो उसके सेशंस में एम्प्टी आएंगे सारे सेशंस। फिर उसके बाद यहाँ पर उसको फायजा रईस का ओपन दिखाई, इसको ये टाइम पसंद आया है, वो यहाँ से कंसल्टेशन बुक कर लेगा, अपने क्रीडेंशियल्स जो है वो ठीक से डालेगा, तो यहाँ पे वर्किंग होगी। फिर और बुक कर लिया हमने यहाँ पर इसको, अब लेकिन अभी तक ये पेंडिंग रहेगा जब तक हमारा थेरेपिस्ट इसको यस नहीं करेगा। तो थेरेपिस्ट को यस करने के लिए मैं यहाँ पर थेरेपिस्ट से लॉग इन हो जाती हूँ। अब थेरेपिस्ट को यहाँ पे रिक्वेस्ट होएगी, यहाँ पे जाके जेब ने उनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो उनको रिक्वेस्ट होगी, तो यहाँ पे हम जो है इसको टाइमिंग साइज शो हो रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही वो उसमें इसको एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे उसको बुक्ड का स्टेटस शो हो जाएगा और यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। जैसे इसने कोई भी सलाम बात कर रहा है और वो उसने ऐसे कोई भी बात की है, यहाँ पर टेस्ट वाला फीचर जिस पर हमने बात डिस्कशन की थी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी, जो पेशेंट साइट है उस पर देखें ये अपडेट हो गया, ये बुकड आ गया, और वो अभी इसको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया, वो यहाँ पे इसको आंसर भी कर सकता है। ये ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, इससे यहाँ पे एरर शो रहे हैं, वैसे इसका कोई अपना एरर नहीं है। वो यहाँ पे इसको टेस्ट आंसर की एक फाइल अपलोड कर देता है, ये इसको सबमिट हो गया। यहाँ पे वो क्लिक करके जो है वो कर सकते हैं, वीडियो कॉल में जा सकते हैं, यहाँ पे अपने वो उसके पास कोई मीटिंग आईडी है या फिर लिंक है तो वो उसको ऐड करेंगे और इधर कर देंगे, और इधर ही उसने जो है वो एंटर प्रेस करके अपना वो ऐड कर दिया है, कोर्सेज ऐड कर दिए कि आई होप यू एंजॉय द सेशन। उसको यहाँ पे कंप्लीटेड कर देगा और यहाँ से हम इसको सेशन क्लोज कर देंगे। हमारा सेशन क्लोज हो गया, अब हमारे लिए सारी जो फील्ड्स हैं वो हो गई हैं, कंप्लीटेड आ गया, और ये जो सब बाकी एक्शंस हैं वो डिसेबल हो चुके हैं यहाँ पर। अब वो उसको रिव्यू करना चाह रहा है, उसको रिव्यू करेगा यहाँ पे उसको,
और सेशन वॉज हेल्पफुल, उसका रिव्यू सबमिट हो चुका है और उसको यहाँ पे विजिबल भी होगा अगर हम जाके देखें, एज एडमिन में जाके देखेंगे तो हमें एडमिन को भी विजिबल हो रहा होगा कि उसके उसके बारे में क्या रिव्यूज आ रहे हैं, लोग उसको क्या कह रहे हैं, और बाकी सबको लोग बाकियों को जिनको रिव्यू नहीं शो हो रहे तो उनको उनके रिव्यूज नहीं है और जिनके रिव्यूज हैं उनके विजिबल हैं। यहाँ पर यूजर में अगर किसी यूजर को हमने ब्लॉक करना है अनब्लॉक करना है तो वो भी हमें शो हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ब्लॉग्स हैं जिनको वेरीफाई करना है, अप्रूव करना है या अनअप्रूव डिक्लेयर करना है। लवर जनरेट रिपोर्ट है, अगर जनरेट रिपोर्ट में देखें तो हमारे जो थेरेपिस्ट हैं ये 12 यूजर्स हैं और 7 थेरेपिस्ट हैं, और हमारी जो अपडेट हो चुकी है अपने सेशंस भी 5 हो गए हैं क्योंकि हमें सेशन 5 कंडक्ट हो गए। ओके, तो जो हमारा थेरेपिस्ट है या यूज़र है अगर वो अपनी डिटेल्स अपडेट करना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी वक्त पे, तो अपडेट कर सकते हैं। जैसे अपना एक्सपीरियंस अपडेट कर रहा है या अपने फ़ी पर आवा या अपना पासवर्ड अपडेट करना चाह रहा है तो वो ये कर सकता है। इसके अलावा अगर थेरेपिस्ट अपना ब्लॉग अपडेट करना चाह रहा है और वो कोई डिस्क्रिप्शन या कोई चीज़ नहीं ऐड करना चाह रहा है, कोई पुरानी चीज़ तो वो भी अपडेट कर सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें इसका जो ब्लॉग है वो अपडेटेड शो होगा, यहाँ पे एडिटेड आ रहा है। इसके अलावा हमने जो जेब और फायजा ने जेब की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी तो जेब को मैसेज आया है ईमेल पे कि भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, आपका जो थेरेपिस्ट है उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी। इसके अलावा हमारे सारे टेबल्स यहाँ पॉपुलेट हुए हैं जो कि यहाँ शोर हैं, जितना ही मैंने अभी डेटा इंटर किया वो सारा यहाँ पे शोर है कि सम ब्लॉग एडिटेड और सारी जहाँ पे चीज़ें शोर हैं। और वो जो हम टेस्ट में बात कर रहे थे कि जो हमारा यूज़र है अगर वो या पेज थेरेपिस्ट दोनों कोई ना कोई बात कर रहे हैं तो दोनों की बात सेव रहे रिटर्न फॉर्मेट में भी, तो जो हमारा जो टेबल जो जो एक फील्ड हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है वो एक्चुअली ऐसा है कि वो अपडेट करता है, जब भी जैसे हम करते हैं वो उसी में अपडेट करता है, वो पुराना वाली चीज़ को डिलीट नहीं करता। तो अगर हम एंटर प्रेस करके उसको क्या नाम है उसको एंटर प्रेस करके सबमिट कर देते हैं तो वो हमारा जो पुराना डेटा है वो भी सेव रहता है और जो नया डेटा है वो भी सेव रहता है। तो इस जो पुरानी उनकी कन्वर्सेशन है वो भी सेव रहेगी, नई कन्वर्सेशन भी सेव हो जाएगी, नई तो कन्वर्सेशन डिलीट नहीं हो रही थी उसमें, ये बात मैं आपको तो बताना भूल गई थी, लेकिन हमारी कन्वर्सेशन वहाँ पे सेव हो रही थी। अगर हम एंटर प्रेस करके वहीं नया डेटा ऐड करते रहेंगे तो वो डेटा ऐड होता रहेगा और वो बेशक अपना ट्रैक रख सकते हैं जी। और ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है तो ये इसके लिए दवाई का भी हमने यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया था कि दवाई में जो कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी कन्वर्सेशन होती है वो उस पर्टिकुलर टाइम तक होती है, उसके बाद वो टाइम ख़त्म हो जाता है और तो उनकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं ताकि बाद में कोई भी और अगर एक्सेस करता है या कोई किसी और को कोई चीज़ मिलती है तो वो उसको ना एक्सेस कर पाए।